हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मोमोज। इसके लिए चाहिए चिकन पीसेस, चॉप्ड ऑनियंस, चॉप्ड गार्लिक, सॉल्ट, ऑयल, ब्लैक पेपर, लेमन जूस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टमाटो केचप एंड मैदा। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। पहले मैदा को लीजिए और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और 3-4 स्पून ऑयल को डालिए। और इसको अच्छे से भूंद कर रख लीजिए। ऐसे थोड़े मिलाने के बाद थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भूंद कर रख लीजिए, मतलब डो बना कर रख लीजिए। ऐसे आटा को भूंद कर 15-20 मिनट साइड रख लीजिए। अब चिकन पीसेस को लीजिए, उसे मिक्सी का जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, कीमा का टाइप में ग्राइंड कर रख लीजिए। इसे ऐसा पीसने के बाद एक बाउल में लीजिए। और उसके अंदर कटी हुई प्याज को डालिए और ब्लैक पेपर को डालिए। और उसके अंदर 1 लेमन जूस डालिए, थोड़ी सी सॉल्ट को डालिए, स्वाद अनुसार नमक को डालिए और चॉप्ड गार्लिक को डालिए और 2-3 टेबल स्पून ऑयल को डाल लीजिए। और उससे वन टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप को डाल लीजिए। सब डालने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। ऐसे बनाने के बाद मैदा को लीजिए, मैदा का आटा को लोरिया जैसा छोटा छोटा निकाल कर साइड रख लीजिए। अब उसे छोटे छोटे पूरी जैसा बना लीजिए। उसके अंदर ये मिक्सचर 1 टेबल स्पून डाल लीजिए। और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए बना लीजिए, ओनली हाफ फोल्ड करना। और ये रिमाइनिंग पार्ट को थोड़ा पानी लगाकर इसको पैक कर दीजिए। ये देखने में एक मोदक जैसा लगेगा, अगर चाहे तो दूसरे शेप में भी बना सकते हैं। इसके दूसरा शेप को बना कर भी दिखाऊंगी, ऐसे ही दूसरा शेप का बनाएंगे आप। उसमें भी 1 टेबल स्पून डालकर मिक्सचर को
उसके बॉर्डर्स पूरे में पानी को लगाइए एडजस्ट में। ऐसा लगाने के बाद ऐसा फोल्ड करके आपको जैसा चाहिए वो शेप में आप बना कर रख लीजिए। देखिए ऐसे ही सारे आपके मर्ज़ी के डिज़ाइन में बनाकर रख लीजिए। ऐसे बनाकर सारे रख लीजिए। उसके बाद ऐसा इसको ऑयल थोड़ा लगा दीजिए और उसके अंदर इसे रख दीजिए। इसको इडली का कुकर के अंदर रखकर स्टीम कर लीजिए। इसे 20 मिनट्स तक स्टीम कर लीजिए। आप 20 मिनट्स के बाद बाहर निकालेंगे। मोमोस रेडी हो गया। आप उस मोमोस को साइड रख लीजिए। ये है चिकन मोमोस। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं डीप फ्राई करके बताऊंगी। अब आप स्टोव को जला लीजिए और एक पैन को रख लीजिए। उसके अंदर ऑयल को डाल लीजिए। ऑयल गरम होने के बाद, ऑयल गरम हो गया है, अब इसके अंदर मोमोस को डालकर डीप फ्राई कर लीजिए। अब इसे ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ऐसे ब्राउन कलर आने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। ऐसे प्लेट में निकाल लीजिए। गरम गरम चिकन मोमोस रेडी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। गरम गरम चिकन मोमोस रेडी। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और उसका नीचे दिखा हुआ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से पहुंच जाएगा। आप जल्दी से देखने के लिए मिलेगा। Bye friends!